कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही प्यारी श्रृंखला, जहां पर श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय में महाराज रहुगण को जड़ भरत जी उपदेश दे रहे हैं, जहां उन्होंने भवाटवी का स्पष्टीकरण किया है। भवाटवी का मतलब यानी कि जड़ भरत जी ने इस संसार को एक भयंकर वन बताया है, एक ऐसा वन जिसके अंदर अगर कोई फंस जाए तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, बहुत ही प्यारा श्लोक है और बहुत बड़ा श्लोक है। हम इसकी कुछ एक पंक्तियां बोल देते हैं। स एष देहात्म मानिनाम, यानी कि ये जो भवाटवी है ना, ये जो संसार का वन है ना, बीहड़ वन, भयंकर वन, कि जिसमें कोई एक बार गया तो वो बाहर नहीं निकल पाता है। मगर क्या ये हर व्यक्ति के लिए ऐसा होता है? तो उत्तर है कि नहीं। जो देहात्म बुद्धि वाले होते हैं, यानी जो देह को ही स्व समझते हैं कि ये मैं हूं, देह ही मैं हूं, मैं आत्मा हूं और देह में रहता हूं, ऐसा विचार उनके पास नहीं होता है, वो नहीं जान पाते हैं। कोई उन्हें बताए तो भी वो समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो भवाटवी है, इसका वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, इसका अर्थ बता रहे हैं कि भाई जड़ भरत जी ने जिस भवाटवी का वर्णन किया है, उसका अर्थ यह है कि जैसे एक व्यापारी की रुचि हमेशा धन कमाने में लगी रहती है, और कभी कभी वो लकड़ी और मिट्टी जैसे कुछ कम मूल्य की वस्तुएं प्राप्त करने और उन्हें ले जाकर नगर में अच्छे मूल्य में बेचने की आकांक्षा से वन में प्रवेश करता है, इसी प्रकार जो बद्ध जीव है वो लोभवश कुछ भौतिक सुख लाभ करने की इच्छा से इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है। धीरे धीरे वो वन के बहुत गहनतम भाग में प्रवेश करता है और वो ये नहीं जानता कि बाहर कैसे निकले। इसी तरह भौतिक जगत में प्रवेश करके जो शुद्ध जीव है वो सांसारिकता से बंध जाता है। और ये सांसारिकता क्या है? ये भगवान के बहिरंगा शक्ति या माया की एक वृत्ति है, और इस प्रकार जीव माया के वशीभूत हो जाता है। स्वतंत्र है लेकिन एक लोभ के कारण गहन वन में चला गया, और जब गहन वन में चला गया, वहां भटक रहा है, तो भगवान की सेवा करने वाले भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाता है। देखिए, बहुत ही ज्यादा वेदना से युक्त है, बहुत दर्द है इस बात में, क्योंकि यहां पर सुखदेव गोस्वामी जी ने बात कही कि जो जीव आत्मा है वो शुद्ध है, संसार में फंसना ये उसकी प्रकृति नहीं है। जैसे बारिश की एक बूंद जब ऊपर से गिरती है तो क्या वो अशुद्ध होती है? नहीं, वो बहुत शुद्ध होती है आमतौर पर। तो वो शुद्ध बूंद जो है अगर कीचड़ में गिर जाती है तो वो कीचड़ का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जो देहात्म बुद्धि में फंसा रहता है, देह को ही आत्म समझ लेना, तो वो हमेशा गलत पहचान करता है, अपनी शरीर को मैं समझने लगता है, मैं फला फला हूं, मेरा ऐसा रूप है, मैं इन उपाधियों को जीता हूं, मैं किसी का पिता हूं, किसी की माता हूं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं। तो ये जो मैं, इसकी जब गलत पहचान हो जाती है तो
तो सांसारिकता में वो बंधता चला जाता है, और यही है भौतिक जगत में प्रवेश करना, है ना। तो यहां पर एक बद्ध जीव की तुलना की गई एक व्यापारी से, कि व्यापारी सोचता है कि चलो हम इस जंगल को पार करके चले जाएंगे और जा करके अच्छी कमाई करके लौटेंगे, लेकिन वो फंस गया। इसी तरह से माया को भोगने की जो लालसा है जीव की, कि मैं भोग कर लूं, उस चक्कर में वो फंस जाता है। हालांकि वो स्वतंत्र है, ये बात बोल दी गई, वो स्वतंत्र है। कितना स्वतंत्र है? उतना ही जैसे कि एक गाय अगर किसी खूंटे से बंधी है तो वो जितना घूम सकती है बस उतना ही स्वतंत्र है। स्वतंत्रता है मगर अल्प स्वतंत्रता है, क्योंकि प्रकृति से पार नहीं जा सकता कोई भी जीव, इस माया के पार नहीं जा सकता बिना भगवान का आश्रय लिए। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन यहां पर है भवाटवी का, जहां पर सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि एक बार देहात बुद्धि के कारण वो माया के वशीभूत होकर, भौतिक गुणों के द्वारा प्रेरित होकर, एक के बाद एक अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। इस तरह बद्ध जीव कभी स्वर्ग लोक, कभी भूलोक, कभी पाताल लोक और कभी निम्न योनियों में प्रवेश करता रहता है। इस प्रकार अनेक देहों के कारण वो निरंतर कष्ट सहन करता रहता है। ये कष्ट और पीड़ाएं कभी कभी तो मिश्रित रहती हैं, कभी बहुत ही असहनीय होती हैं तो कभी नहीं। ये शारीरिक दशाएं बद्ध जीव को मनोकल्पना के कारण प्राप्त होती है। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। महाराज परीक्षित जानना चाहते थे कि ये जो जीव है ये भगवान का भजन क्यों नहीं करता है। भगवान का भजन जो कि इतना आस्वाद है, उसमें इतना स्वाद है जो कि जीव को परम आनंद दे सकता है, जिसकी कि वो खोज कर रहा है ना जाने कितने ही जन्मों से, अनंत जन्मों से, तो भजन क्यों नहीं करता है, भगवान की तरफ मुड़ता क्यों नहीं है। तो भाई भगवान की तरफ कोई आमतौर पर अपने आप से मुड़ता नहीं है, भक्तों के संग में आने के कारण उनकी कृपा को पाने के बाद ही वो मुड़ पाता है। और जब तक नहीं मुड़ता है वो माया के वशीभूत होकर के विभिन्न प्रकार के काम करता है, और जितने भी काम वो करता है, जितने भी कर्म वो करता है, तो वहां उसकी बुद्धि यही रहती है कि मैंने किया, मैंने किया, बस। वो समझ नहीं पाता है कि ये जो कार्य हो रहे हैं वो तो प्रकृति के तीन गुण मुझसे करा रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके कारण ये काम हो रहे हैं, मेरी इसमें कोई बड़ाई नहीं है या ये मेरा कर्तृत्व नहीं है, इतना वो नहीं समझ पाता है। और इसीलिए चूंकि हर चीज को वो अपने ऊपर थोप लेता है, मैंने ये किया, मुझे यश मिलना चाहिए, तो वो अपने हर क्रिया से, अपने हर कर्म से बंध जाता है। अब जब बंध गया तो फल मिलेगा, और फल मिलने के लिए शरीर धारण करने पड़ेंगे। तो इस तरह कभी जब वो बहुत अच्छे काम करता है, याग यज्ञ करता है, तो स्वर्ग लोक चला जाता है, कभी भूलोक चला जाता है, कभी पाताल लोक, अनेक देह धारण करता है, गर्भवास धारण करता है। देह धारण करने का मतलब क्या है? गर्भवास करना। तो निरंतर कष्ट पाता है, निरंतर कष्ट पाता है। और ये कष्ट कैसे हैं? बहुत असहनीय कष्ट होते हैं, बहुत ही। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात कही गई कि ये जो शारीरिक दशाएं हैं, ये जो कष्ट हैं, ये जो विभिन्न प्रकार के शरीर हैं, ये बद्ध जीव को कोई आकर नहीं दे जाता है, ये उसे सजा देने के लिए कोई देता नहीं है कि हाँ हम तुम्हें सजा देंगे, ऐसा नहीं है। बताया गया कि ये दशाएं, ये शरीर बद्ध जीव को मनोकल्पना के कारण प्राप्त होती हैं, यानी हमारा मन ही आने वाले शरीर की रचना कर डालता है। हमारा मन जिस तरफ होगा अगले शरीर की रचना भी वैसी ही होगी। तो ये जो मन है और इसकी जो कल्पनाएं हैं, यही विभिन्न प्रकार की शारीरिक दशाओं को उत्पन्न कराती हैं। तो चूंकि बद्ध जीव अपने मन और अपनी पांच इंद्रियों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए करता है, अगर वो ज्ञान भगवत ज्ञान नहीं है तो हमारे भगवान कहते हैं कि तब वो अज्ञान है, असत है, तब फिर क्या फायदा। मनुष्य शरीर मिला था
सत को प्राप्त करने के लिए, भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हुआ क्या? इसीलिए हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं, लाभ कहा मानुष तन पाए, काय वचन मन सपने हूं, कबहुक घटत ना काज पर आए, जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत बिन ही बुलाए, तेही सुख कह बहु जतन करत मन, समुझत नहीं समुझाए, पर दारा पर द्रोह मोह बस किए मूढ़ मन भाए, गर्भ वास दुख रासी जातना तीव्र विपत्ति बिसराए, भय निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग जाए, सुर दुर्लभ तनु धरी न भजे हरि मद अभिमान गवाए, गई ना निज पर बुद्धि शुद्ध वे रहे ना राम लय लाए, तुलसी दास ये अवसर बीते का पुनि के पछताए। देखिए कितनी सुंदर बात कहते हैं आचार्य चरण, कह रहे हैं कि अरे मनुष्य शरीर को पाने से भला क्या लाभ हुआ, जबकि वो कभी स्वप्न में भी मन वाणी और शरीर से भी दूसरे के काम नहीं आया। विषय संबंधी जो सुख स्वर्ग नरक घर और वन में बिना बुलाए अपने आप आ जाते हैं, उस सुख के लिए अरे मन तुमने कितने उपाय किए, समझाने पे भी नहीं समझता। अरे मूढ़ तूने अज्ञान के वश होकर पराई स्त्री के लिए दूसरों से वैर करने के लिए मनमाने आचरण किए, गर्भ में महान दुख दारुण कष्ट और विपत्ति भोगी उसे भूल गया, डर नींद मैथुन भोजन ये तो संसार में जन्म लेने वाले हर जीवों में एक से हैं, परंतु तुझे तो भगवान ने देवताओं को भी जो दुर्लभ है ऐसा मनुष्य शरीर दिया था, उसे पाकर भी तूने भगवान का भजन नहीं किया और अहंकार घमंड में उसे खो दिया। आहा हा हा, अब अगर ये मनुष्य शरीर को पाने का सुअवसर निकल जाएगा तो पछताने से क्या मिलेगा, इसलिए अभी चेत जाओ, सचेत हो जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, और अगर भगवान के भजन में नहीं लगे तो क्या होगा, तो फिर सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप रह जाएगा। लेकिन क्या सब लोग पछताते हैं? नहीं, जिनको भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाता है वही सोचते हैं कि हाय हाय इतने दिन चले गए, व्यर्थ ही गंवा दिए हमने। तो मनुष्य शरीर अगर मिला है वो भजन के लिए मिला है, अगर हम अपने मन को भगवान के भजन में नहीं लगाते, क्योंकि मन तो देखिए अजीब से संस्कारों से युक्त है, अनेक जन्मों के संस्कार हैं, तो तुरंत ही भगवान के भजन में लग जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन बारंबार बारंबार मन को बिठाएंगे भगवान के भजन में, भगवान के चरणों में, तो लगने लगेगा। और ये जो पंचेंद्रियां हैं हमारी, ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये हमारी आंख नाक कान जिह्वा त्वचा, ये सब भगवान के रस में डूब जाएंगी। और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो फिर ये जो देह प्राप्त होगी वो पार्षद देह प्राप्त होगी, यानी ये जो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है जीवात्मा को अपने मन से सृजित देह के कारण, वो नहीं भटकना पड़ेगा। तब जो ज्ञान वो प्राप्त करेगा वो ज्ञान होगा सच्चा ज्ञान, जो उसे भगवान के चरणों में ले जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं जड़ भरत जी के उपदेश का, कि तब उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा इन इंद्रियों के कारण ही। हालांकि वो दुख नहीं पाना चाहता, हमेशा चाहता है छुटकारा पाना। आज हम अपने चारों तरफ जितने वैज्ञानिक आविष्कार देख रहे हैं वो दुखों से छुटकारा पाने की खोज ही तो है, परंतु तो भी दुख आते हैं, लोग भटकते रह जाते हैं दुख से छुटकारा पाने के चक्कर में। और अगर उसे भगवान के भक्तों का सहारा मिल जाए, उनका आश्रय वो ले ले, तो उसका जीवन पार हो जाए। परंतु हमेशा ही हर जन्म में ही वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्षशील रहता है कि मैं हूं और मैं रहूं, बस संघर्ष इसी चीज का है। तो उसे भगवान के चरणारविंदों में भ्रमर के समान अनुरक्त भक्तों की शरण नहीं मिल पाती, और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। याद रखिए, भगवान के चरणारविंदों में जिन्होंने अपने मन को लगा लिया, भगवान के चरण कमलों के मकरंद में जो भक्त भ्रमर की तरह लगे हुए हैं, अनुरक्त हैं,
अगर उनका सहारा, उनका आश्रय, उनका सत्संग किसी को मिल गया तो समझ लीजिए कि उसकी संसार दशा अब समाप्त होने को है। कितनी सुंदर बात है। चर्चा जारी रखेंगे हम, सुनते रहिएगा समर्पण।